कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए, ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नमस्कार, डायनेमिक संवाद टीवी के लिए मैं अमित पुरी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उन्होंने अपने मंच पर एक अवसर दिया कविता प्रस्तुत करने का। मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले एक सिपाही जब देश पर शहीद होता है तो शहीद होते हुए उसके आखिरी शब्द क्या होते हैं, मैं वो पेश कर रहा हूँ। वीरस की रचना है, सुनिएगा। हथियार अगर कम हो मेरे, हथियार अगर कम हो मेरे, शव से हथियार बना लेना। हथियार अगर कम हो मेरे, शव से हथियार बना लेना, लेकिन दुश्मन के हाथों से तुम हिंदुस्तान बचा लेना। लेकिन दुश्मन के हाथों से तुम हिंदुस्तान बचा लेना। और शहीद क्या कहता है अपने साथियों से कि मत अस्पताल में ले जाओ, हर बार मुझे सहजाने दो, इस धरती का है खून मेरा, इस धरती में बह जाने दो। हाँ एक बात, जब मेरा शव तुम मेरे घर ले जाओगे, बहना के आंसू पोंछोगे और माँ को धैर्य बधाओगे, कहना माँ तेरे बेटे ने 100-100 को मार गिराया है, सर एक तिरंगे में लिपटा, तन कफन में लिपटा आया है, 10-20 गोलियां लगी मगर माँ तेरा बेटा हटा नहीं, जब तक इस बेटे के तन का हर कोना कोना फटा। क्या क्या बात है कि एक गोली गर्दन भेद गई, एक गोली गर्दन भेद गई, फिर दो सीने के पार लगी, बेखौफ जुनूनी बेटे को ये बूंदों की बौछार लगी, फिर 8 गोलियां कांधों पर खाकर वो लहू लुहान हुआ, फिर 8 गोलियां कांधों पर खाकर वो लहू लुहान हुआ, माँ तेरा बेटा मरा नहीं, भारत माँ पर कुर्बान हुआ, बहना से कहना रोए नहीं, भाई ने कर्ज चुकाया है, रक्षा बंधन के बंधन का बंधन से फर्ज निभाया। और शहीद का कहता है कि एक 5 बरस की बिटिया है, जाकर दुलार देना उसको, तुम उसके लिए अंकल ही सही, पापा का प्यार देना उसको, कुछ और नहीं कह सकता मैं, अब सांस नहीं ली जाती है, कुछ और नहीं कह सकता मैं, अब सांस नहीं ली जाती है गर्व मेरे सर के नीचे, भारत माता की छाती है, खुश रहे अमित यह देश मेरा, अंतिम प्रणाम मैं करता हूँ, खुश रहे अमित यह देश मेरा, अंतिम प्रणाम मैं करता हूँ, सरहद पे पुनः आना है मुझे, इसलिए अभी मैं मरता हूँ, सरहद पे पुनः आना है मुझे, इसलिए अभी मैं मरता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दायन संपत टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जय रखेंगे संवाद।